तो ये देखो कितना बड़ा था ये डब्बा और इसमें से ये निकला है। जैसे इतनी भरी हो तुम और ये तुम्हारा दिमाग। नाइस यार, ये बर्तन ना ऐसा लगता है कि सिंक में से निकले जा रहा है। क्यों? ठीक है, आधे घंटे हो गए मुझे बर्तन ढूंढते हुए और खत्म ही नहीं हो रहे भाई बर्तन। अब जाके खत्म हुआ इतना मुश्किल से। बहुत ज्यादा काम है क्या? हो गया हूं मैं बर्तन ढूंढने। बताओ फिर कितनी पगार चाहिए? हाँ, 2 रुपया दिन का चलेगा क्या? ढंग से धोना, ढंग से चिकनाई जानी चाहिए। स्पेशली विम ला के दिया हुआ मैंने बाजार से तुमको, समझ आई? बाप रे बाप, अभी पता है आपकी शक्ल को देख के क्या लग रहा है? ऐसा लग रहा है आपसे दुखी इंसान है नहीं कोई इस दुनिया में। जुल्म करती हो तुम मेरे ऊपर? अच्छा, ओ जुल्म की तो बात मत ही करो, अच्छा रहेगा। तो आज हम आए हैं पेट्रोल भरवाने, क्योंकि स्कूटी मरते मरते बची है। पता नहीं कैसे हम यहाँ पे लेके आए हैं स्कूटी को, ये हमें ही पता है। तो अभी हम पेट्रोल भरवाएंगे, इसमें जान डालेंगे। गुड मॉर्निंग, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज ना, आज दिन अलग है, ठीक है। खुशी भी है मुझे थोड़ी, वैसे तो रोज ही खुश रहते हैं हम, लेकिन दिक्कत ये है कि आज मेरा ना लैपटॉप आने वाला है। ये इंसान, इस इंसान की वजह से इनके सामने गिड़गिड़ाना पड़ा कि यार मेरे को 5 मिनट लैपटॉप दे दो यार, 10 मिनट से ज्यादा नहीं यूज करूंगी। लेकिन मतलब हद हो गई है, पूरा दिन लैपटॉप पे रहते हैं ये, जैसे अभी भी आप देख सकते हो। ठीक है, अच्छा काम मेरे को तो जैसे कोई काम होता ही नहीं है, मैं तो वेली बैठी हूँ यहाँ पे। तो मैं एक काम करके है, ठीक है, ये लैपटॉप, मैं ये लैपटॉप तुम ले लो, ठीक है, देखो इससे इससे गयावान पति तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो देखो, ये लैपटॉप तुम ले लो और जो नया लैपटॉप आ रहा है, ठीक है, देखो मे भी खराब भी निकल सकता है, करो ना, तुम्हारा मुंह भी नहीं दिख रहा है, मे भी खराब भी निकल सकता है यार। देखो देखो, तो वो लैपटॉप मैं यूज कर, चाहे खराब निकले चाहे कुछ निकले, ठीक है, मेरे को अपना नया लैपटॉप चाहिए। तुम अपने कबाड़ के साथ खुश रहो, जो करना करो, अब मैं अपने लैपटॉप के साथ टच भी नहीं करना। कबाड़ के साथ तो खुश है ही हम, ठीक है, कबाड़ के साथ खुश रहो। फिर काय को, जब जब हम जॉगिंग पे जाते हैं, जब हम मार्केट घूमने जाते हैं, काय को देखते हो और लड़कियों को, जब यहाँ पे खुशी मिल रही है व्लॉग और मत घूरा करो, फिर देखना जरा क्या बोल रहे हैं। अब भाई यार सुन, जा लड़की अगर जॉगिंग कर रही है तो देख लेंगे कि उसमें क्या बुराई है भाई। क्यों क्यों क्यों, नजर तो जाएगा ही लड़की की तरफ। क्यों जाए, क्यों नहीं जाएगा भाई, ये हक सिर्फ बैचलर्स को है। यू आर मैरिड नाउ, ठीक है, तुम्हारी नजर इधर उधर नहीं। अब वो जो वो घोड़े के उधर होते ना ऐसे लगे हुए, ऐसी नजर होनी चाहिए एकदम स्ट्रेट, वो भी मेरे पे, ठीक है ना। हाँ देखो जरा हूं पर मिली हुई है इनको, और बोलते हैं कि नजरें इधर उधर रखनी है। मेरे को आधे घंटे के लिए मिलता है ये लैपटॉप, और उस आधे घंटे में 15 मिनट तो उसको स्टार्ट करने को लगता है। अब आप बताओ, हद हो गई है। एडिटिंग करने को एक वीडियो को पता है कितना टाइम लगता है, तुम्हें क्या पता? तुमको एडिट ना करके हम कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं, तो कुछ भी बोल दोगे। अब मैं नेक्स्ट क्लिप में आपको बताऊंगी मेरा लैपटॉप आएगा, उसकी अनबॉक्सिंग करूंगी, देखना जरा। मेरे सामने खड़े है फिर भी नहीं सुनाई दे रहा है, ये इन लोगों की यही प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा था नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में नहीं। यूट्यूब पे वीडियो बना के डालनी है, पर ये नहीं पता कि वीडियो और क्लिप में क्या डिफरेंस है। ओ रुको रुको यार, मेरे को कॉल आ गया, मुझे लगता है रुको एक सेकंड, फ्लिपकार्ट से होगा। तुम पैसे निकलवा के आओ यहाँ से, ये ATM, मैं यहीं पे खड़े रहती हूँ, ठीक है। हेलमेट दे दो, मास्क पहनो। और सब कुछ सुनसान है, सारी दुकानें जो भी छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स हैं वो तो सब बंद है। पुनीत क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे यार? पकौड़ी बना दो। क्यों? सेक्सी मौसम। तो यार अब दिल्ली का मौसम हर दूसरे दिन सेक्सी हो जाता है, तो मैं पकौड़ी बनाती रहूं। मतलब 2 दिन मुश्किल से गर्मी पड़ती है और फिर मौसम ऐसा हो जाता है। दिल्ली में जून और अभी तक मुश्किल से
10 से 12 दिन गर्मी पड़ी बस टैग से, तो इसलिए तुम्हारा सब मौसम अच्छा, इसलिए मौसम मौसम सही है, मौसम है। सही है, इसलिए तुम्हारा पकौड़े खाने का मन कर रहा है क्या? साथ में सुंदर बीवी है क्या? बाप रे क्या धूल उड़ रही है, मैं बना दूंगी एक शर्त पे। क्या? पहले पकौड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते ये बताओ। बकवास नहीं, सच बताओ, मैं नहीं बनाऊंगी अगर तुम बताओगे नहीं कि पकौड़ों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। ठीक है, मान लिया मैंने, मैं वैसे हिंदी मीडियम से पढ़ी नहीं, पर फिर भी मान लिया कि मैंने हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ मैं। अब तुम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ो ना, तुम बता दो पकौड़ों को क्या बोलते हैं इंग्लिश में। अगर तुमने बता दिया ना तो फिर मैं मान जाऊंगी, मैं पकौड़े बना दूंगी, सच कह रही हूँ। क्या कहते हैं देखना जरा, मुझे पता है इनकी इनके डिक्शनरी में जाके देख ली होगी, क्यों पूछ रही है? मैंने नहीं पूछा, मैंने देखा ही नहीं, अभी एकदम इंस्टेंट इन्होंने पूछा है पकौड़ों के लिए, तो मेरे दिमाग में आया क्या कहते हैं। तुमको अगर पहला लेटर भी बता दोगे ना तब भी मैं मान जाऊं। गाइज इनको तो पता नहीं है, मुझे पता है, लेकिन आप बताओ कि पकौड़ों को इंग्लिश में क्या कहते हैं। इनको कुछ पता नहीं, इंग्लिश मीडियम से पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के आ जाते हैं ऐसे लोग। पुनीत 5 मिनट के लिए लैपटॉप दोगे? सीरियसली देखना, ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और जैसे ही मैंने फोन ऑन किया ना, ये आराम से इन्होंने मुझे बोला कि लैपटॉप ले लो। अभी अभी फोन ऑन करने से पहले मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा भाग यहाँ से, ऐसे मेरे को बोला लैपटॉप ऑन करने के लिए। झूठ 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 कुछ नहीं कि नहीं यार, मैं प्यार से बात मांग लो यार, वो भी तुम लैपटॉप का बात कर रही हो। जान क्यों मांगू मैं, मेरे को आई एम अ मटेरियलिस्टिक पर्सन, आई नीड योर लैपटॉप बेब्स। मेरा बर्थडे आ रहा है 15 दिन में, सॉरी 15 जून को है, 15 दिन में नहीं। दे दो यार 5 मिनट के लिए लैपटॉप, यार मेरा लैपटॉप डिले हो गया, आ नहीं रहा यार पार्सल। भाई वीडियो चलती इसलिए ड्रामा चाहिए लोगों को, अब हम ऐसे चुपचाप बैठ के काम करते रहेंगे कौन देखेगा वीडियो को, और वैसे भी एंटरटेनमेंट तो आप ही डालते हो ना अपनी वीडियो में, तो आपकी हेल्प से करूंगी मैं वीडियो को, थोड़ा थोड़ी लड़ाई कर लेते हैं, मजे आएंगे, मेरे को भी मजे आ जाएंगे, टाइम पास हो जाएगा, लोगों को भी मजे आ जाएंगे। सही बात बोल रही हूँ ना मैं, आप ही बताओ मुझे। और मेरा नीचे पार्सल आ गया है, मुझे देखना पड़ेगा नीचे। तो ये है मेरा जो है ये, अरे अंदर चला गया यार, कितने सारे पार्सल्स आए हैं, और इन्हीं पार्सल्स में से मेरा भी एक पार्सल है। ओहो तो अपना लैपटॉप आ चुका है, और इसको हम रखेंगे सैनिटाइजेशन के लिए थोड़ी देर बाद। भूख नहीं लगती ज़्यादा, क्योंकि लैपटॉप आया तो मैं थोड़ा सीख जाएगा, इसलिए मैं इसको सैनिटाइज करूँगी और इसके बाद इसको खोलूँगी। तो हम अभी करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग, और ये है मेरे पास लैपटॉप। तो अरे कहाँ रह गई, आओ ना भाई, वरना गायब कर देंगे लैपटॉप। लैपटॉप धोई हो? किया था, फिर अब धोना कहाँ से यार, इसलिए मैंने कहा न्यूज़पेपर पे मैं। क्या क्वेश्चन है, लैपटॉप धोई हो? कुछ भी। तो हम अनबॉक्सिंग का खेल, ये लैपटॉप मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट से मंगवाया दोस्तों, आप ऐसा ना समझिए कि हमें स्पॉन्सर किया गया है ये लैपटॉप, हमारे ही पैसे लगे हैं इस लैपटॉप को खरीदने में, ठीक है? तो अभी तुम इतनी बड़ी यूट्यूबर भी नहीं हो कि तुम्हें स्पॉन्सर किया जाए लैपटॉप। अरे यार पता नहीं है तुमको, लोगों को पता क्या लग रहा है भाई, यार यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए हैं यार, एड्स भी आ रही है, पता नहीं कितना कमा रहे होंगे लाख में, ये नहीं पता, एक रुपया भी नहीं आ रहा अकाउंट में। पता हमें भी ऐसे ही लगता था किसी की वीडियो देख के, यार एड्स आ रही है ना इसमें, अब जब खुद उस चीज से गो थ्रू हो रहे ना, तो ऐसा लग रहा है कि यार बहुत लंबा प्रोसेस है यार ये यूट्यूब अपने को, यार मतलब है कि हमें वीडियो बनाने में पता मजा आ रहा है, एक फ्यूचर मेमोरीज भी बन रही हमारी। बस 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 लोग ये गलत करेंगे यार, लोग क्लास 8 में है, 6 में है, 10th में है, कॉलेज भी पास आउट नहीं हुआ है और यूट्यूब वीडियोस बनाना शुरू कर देते हैं। लैपटॉप की अनबॉक्सिंग कर रहे हो और ज्ञान देने लगे हो तुम। कितना क्यूट सा और कितना कॉम्पैक्ट, तो ये देखो कितना बड़ा था ये डब्बा और इसमें से ये निकला है। जैसे इतनी बड़ी हो तुम और ये तुम्हारा दिमाग। नाइस, प्लीज कह लीजिए सो वाज नाइस, क्यूट सा दिमाग। Oh my god, Puneet, what is this? Ye dekho.
तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो यार, प्लीज कर दो ना।